आगरा एक युवती के साथ फिर हुआ एक नए ऐप से ऑनलाइन लव सेक्स और धोखा। आगरा में पढ़ी लिखी 24 वर्षीय युवती को सोशल मीडिया के जरिए प्यार करने पर अंत में मिला फिर धोखा। शादी का झांसा देकर प्रेमी ने 1.5 साल तक किया शारीरिक शोषण। प्रेमी के लिए युवती ने दूसरी जगह शादी करने से भी कर दिया था इनकार। अंत में प्रेमी ने भी उससे शादी करने को किया इनकार। कानपुर से आगरा आते समय टूंडला रेलवे स्टेशन पहुंची युवती ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। युवती ने बताया वह बनारस में वी मार्ट में काम कर गुजर बसर कर रही थी और अपने मुंह बोले भाई के घर में किराए के मकान पर रहती थी। 1.5 साल पहले उसकी आगरा नालंदा टाउन फ्लैट नंबर 212 निवासी करण युवक से वीगो ऐप के जरिए बातचीत हुई थी। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया था। युवक उसके साथ शादी करने की बात कहते हुए अपने साथ आगरा ले आया, जहां युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिन बाद युवक ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। अपना भविष्य बर्बाद होते देख युवती ताजगंज थाने पहुंच गई, जहां युवक के परिजन भी थाने पहुंच गए और युवती को समझा बुझाकर अपने साथ ले आए। युवक युवती के साथ अलग रहने की बात कहते हुए उसे कानपुर ले गया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और युवती के साथ रखे सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। जब उसे होश आया तो वह हैरान रह गई। सोमवार सुबह युवती गोमती एक्सप्रेस से टूंडला स्टेशन उतरी, जहां उसने आप बीती सुनाई। युवती की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। युवती ने बताया कि 24 जून 2019 को शादी होनी थी, लेकिन प्रेमी के लिए उन्होंने शादी करने से भी मना कर दिया। वह अस्वस्थ थी कि प्रेमी उसके साथ शादी करेगा, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी प्रेमी ने उसके साथ शादी नहीं की और धोखा देकर भाग गया। अब वह उस धोखेबाज युवक के साथ नहीं रहना चाहती है। युवती ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और फिर कभी कोई सोशल मीडिया का फायदा गलत काम के लिए ना उठा सके। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रिया जी, क्या घटना हुई आपके साथ, पूरी बात बताओ। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मैं एनजीओ में काम करती थी, मैं नाम कर रही हूँ। मेरा करण खुराना जो आगरा के रहने वाले हैं, उनके पापा का नाम अशोक खुराना है। उन्होंने मेरा 1.5 साल से उसके साथ अफेयर मेरे द्वारा चल रहा था वीगो ऐप के द्वारा। तो मेरा 1.5 साल के बाद जब उसने बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि मेरी शादी तय होने वाली थी। मेरी 24 जून को शादी थी और 24 जून को शादी थी, ये मेरे यहाँ 21 जून को गया है मेरे घर पे, मुझे लेने बनारस एक गुगलगंज में एक होटल है, वहाँ पे वो रुका भी था अपने फ्रेंड राम के साथ, होटल से गया हुआ था। वहाँ पे गया, मुझसे बात किया, मुझे किराया दिया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम 24 को ट्रेन पकड़ के चले आना, मैं तुम्हें यहाँ रिसीव कर लूँगा। मैं 24 को वहाँ से निकली हूँ, मैं आ गई हूँ यहाँ पे इसके घर पे 25 को। ये मुझे रिसीव किया है, मुझे 2-3 दिन होटल में रखा है। फिर उसके बाद इसके सिस्टर का एक घर है नालंदा टाउन में, 212 फ्लैट नंबर है इसका। तो वहाँ पे मुझे 3 महीने से रख के मेरे साथ शोषण, मेरे साथ रेप सब कुछ किया है, मुझे टॉर्चर भी किया है, मारा भी है कई लोगों, ये सब आप देख सकते हैं, मुझे कई जगह मारा और मुझे धोखा भी दे रहा था। तो मैंने बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो करण, तुम तो साथ लाए हो शादी करने, इसके मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैंने 100 नंबर कॉल करके कंप्लेन भी किया था, क्योंकि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं वहाँ पे गई और इसके फैमिली वाले वहाँ पे ले देगी जो भी करके वहाँ से रफा दफा कर दिए। और इसकी बहनें हैं रिया खुराना, सुरभि खुराना, रेनू, और इसके जीजू हैं, 3 जीजू हैं, जीजू का नाम नहीं जानती हूँ। वो लोग भी गए थे वहाँ, उन लोगों ने मुझे बहला फुसला कर बोला शादी कर लेगा, चलो यहाँ से थाने में खुद। फिर ये लोग मुझे एक रॉयल होटल करके वहाँ पे मुझे 2 दिन से रखे हुए थे। कल
शाम को अपने भाई को लेके उसकी बहन सुरुखि खुराना और रिया खुराना दोनों आई हैं। दोनों आकर के मुझे बोली कि तुम मेरे भाई को लेके चाहे जहाँ जाओ। मेरा फोन ले ली दो मिनट के लिए, दो तीन मिनट के लिए ली, अब पता नहीं वो क्या किए मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उसका भाई मुझे वहाँ से लेके कानपुर तक लेके आया। कानपुर मुझे जो भी नशे की दवा व जो भी दिया होगा, मैं होश में नहीं थी। मेरे गहने वाले जो भी थे मेरे पास, एक चैन था, कान का था जो मेरी शादी में बना था मुझे देने के लिए, और दो लेडीज रिंग थी और एक जेंट्स का था। मैं सब लेके भाग के आई थी वहाँ से, सब लेके मेरा भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? इसकी शिकायत आपने कहीं दोबारा की है? आपने नहीं, अभी कहीं नहीं की। मैं जा रही हूँ आगरा, मांगती हूँ न्याय मुझे। मैं यूज करने की चीज नहीं हूँ। मामला सर सामने आया था, बनारस की रहने वाले एक युवती ने युवक पर शोषण का आरोप लगाया है, क्या है सर पूरी जानकारी? देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है, जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई है अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, प्रकरण की जांच की जा रही है, विधिक निस्तारण किया जाएगा। किस तरह के आरोप सर लगाए हैं इसमें लड़की ने? उसके साथ आरोप लगाया कि उसके साथ गलत काम किया है। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है, जो भी विधिक होगा उसका निस्तारण किया जाएगा।